उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी आप सही सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा समाज को खुश करने के लिए सम्मेलन चल रहा है। जी हाँ, सब सही सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पसमानदा समाज को खुश करने के लिए एक सम्मेलन चल रहा है, और इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जी जब पहुंचे हैं, उस दौरान उन्हें गांधी समाधि से निकलना था, क्योंकि वो मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर उतरे थे, वहां से उनको अपने उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना था। उसी दौरान गांधी समाधि पर एक शव यात्रा को रामपुर स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। ये आप सही सुन रहे हैं कि रामपुर स्थानीय प्रशासन ने एक शव यात्रा को रोका। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शव यात्रा को रोक दिया। जी हां, बड़ा सवाल यह है कि डिप्टी सीएम का काफला पास कराना जरूरी था या उस शव यात्रा को। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन देश में आपको दूसरी ओर लेकर चल रहा हूं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया 30 सितंबर को, जब वो गुजरात के दौरे पर थे, तो उनको अहमदाबाद से गांधीनगर जाना था। ये आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जो गुजरात के दौरे पर थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे हैं, लेकिन उस दौरान एक एम्बुलेंस आ जाती है जो गंभीर हालत में मरीज को लेकर जा रही थी। तब देश के प्रधानमंत्री ने अपना काफला रोक करके उस एम्बुलेंस को पास कराया। जी आप सही देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि देश के प्रधानमंत्री एक एम्बुलेंस को पास करा रहे हैं, और ये मैसेज दे रहे हैं समाज को कि हम आपके हर दुख दर्द में शामिल हैं। वहीं अभी 2 दिन पहले 9 दिसंबर को हिमाचल के दौरे पर थे, चांबी में जब दौरे पर थे, देश के प्रधानमंत्री दौरे पर थे, तब भी उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। ये संदेश देखा दी, ये भी देखिए दूसरी घटना, 9 नवंबर की घटना है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे के दौरान चांबी में अपना काफला रोक लेते हैं, और उस काफले को रोकने के बाद वाकादा एम्बुलेंस को पास कराते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं, तो देश के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को क्या करना चाहिए था। तो देखिए, जब उस दौरान काफले के दौरान सब यात्रा रुकी रही, तो उसके बाद जब हमारे चैनल ने उस चालक से बात की, तो देखिए क्या कह रहा है। अशोक कुमार, अशोक जी, आज जो सब यात्रा आ रही थी, क्या दिक्कत आई आपको? क्या वही पुलिस वाले वगैरह रोक रहे थे, सब इंस्पेक्टर ने रोक लिया, पहले वाले पे रोका, दूसरे वाले पे तो आधा पौन घंटा हमने परेशान करा, जब गाड़ियाँ सारी निकल गई तब छोड़ा, बहुत बदतमीज से बहुत परेशान रहा था, नहीं जाने लूँगा। किसका सब यात्रा थी, कौन आ रहा था? पता नहीं, कोई मंत्री आ रहे थे, मैंने तो मंत्री का नाम जानता नहीं हूँ। तो कितनी देर रोका आपको? कम से आधा घंटा रोका है। कब जाने दिया और कहाँ रोका? जब सारी गाड़ियाँ निकल गई तब। किस जगह पे रोका था? गांधी समाधि पे। तो आपने कहा नहीं सब यात्रा निकलना चाहिए? मैंने कहा था मैंने इसके अंदर लाश पहले जाएगी या वो जाएंगे ना, पहले यह रोक ली उन्होंने। अभी आप सुन रहे थे सब यात्रा चालक, जो वाहन चालक है, वो क्या कह रहा था। वहीं उसने ये भी बताया हमें कि जब 1980 में एक बार वो वहां पर एक सब यात्रा दिल्ली में निकाल रहा था, तो उस दौरान इंदिरा जी निकल रही थी, तो क्या हुआ था, जरा उसकी जुबानी सुनिए। तो मतलब सब यात्रा कभी रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? कभी नहीं, कभी रुकती नहीं, आज तक नहीं रुकी। जब इंदिरा गांधी वाला शायद टाइम में भी नहीं रुकी थी मेरी गाड़ी, दिल्ली चलता था, पहले मेरी गाड़ी गई थी निकल के, बाद में इंदिरा गांधी गई थी प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।